जय श्री राम दोस्तों, दिस इज वाई ऋतिक बघेल बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की। पिछली वीडियो में भी मैंने स्क्वायर रूट बताए थे लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर के बताए थे। आज नॉन परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है परफेक्ट स्क्वायर का तो उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूले से हम किसी भी नंबर का नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रूट एट का, ठीक है। अब रूट एट को इस फॉर्म में लिख लेना है, इस फॉर्म में, यानी कि और जो रूट एक्स होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके पास में परफेक्ट रूट एट किसके बीच में आ रहा है, एट का निकालना है ना, एट का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो एट किसके बीच में आ रहा है, फोर और नाइन के। तो यहाँ टू का आएगा या थ्री का आएगा, लेकिन थ्री के ज्यादा बगल में तो थ्री का लेंगे। तो मतलब थ्री मतलब नाइन, तो इसको कैसे लिखेंगे, नाइन माइनस वन लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नाइन माइनस वन इस फॉर्मूले में लिख दो प्लस माइनस करके। तो यहाँ रूट एक्स, रूट नाइन यानी कि थ्री। अब माइनस है तो माइनस वाई कितना बचा, वन अपॉन इसका दोगुना टू रूट एक्स यानी इसका दोगुना यानी कि छः, ठीक है। अब इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, सिक्स एटीन माइनस वन सेवनटीन अपॉन सिक्स, दैट इज 17.6 कितना हुआ, 2.833, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, तो मैं आने वाली वीडियो में आपको एलसीएम भी सिखा दूंगा। आप दो मिनट में, दो सेकंड में एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ और नंबर लेते हैं। ये रूट एट का, ये परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर लिया मैंने थोड़ा बड़ा सा, रूट फोर्टीन, ठीक है। रूट फोर्टीन को क्या क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, फोर्टीन किसके बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में, ठीक है, सॉरी 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में आ रहा है रूट फोर्टीन। तो इस हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बगल में क्या है, 16 माइनस 2, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या होगा, 4 माइनस 2 अपॉन इसका दोगुना 8, इसको काटेंगे तो 1 बटे 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 माइनस 1 बटे 4 15 बटे 4 3.75, ये देखो है ना सिंपल, हाल निकाल लोगे आप बहुत जल्दी। तो आइए कुछ और नंबर का फिर से लेते हैं, ठीक है। अब लिया मैंने √65 का, √65 का क्या लिखेंगे अपन, इन दोनों के बीच में आ रहा है लेकिन इसके बगल में, क्या लिखेंगे, 64 प्लस 1, इस फॉर्मूले से 8 प्लस 1 अपॉन इसका दुगना 16, ठीक है। 1 अपॉन 16 क्या होता है, 8 प्लस 0.062, तो जोड़ दो 8.062, ये हो गया आपका एक और आंसर, है ना सिंपल। तो आइए और नंबर को और आगे बढ़ाते हैं। अब 3D8 पे ले जाता हूँ आपको। तो ले लिया 231, ठीक है। 231 किसके बीच में आता है, 231 किसके बीच में आता है, 15 के आता है, 15 के आसपास, जिसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225। अगर आपको स्क्वायर बनाने नहीं आते, स्क्वायर नहीं आते, तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 225 प्लस 6 किसका होता है, 15 प्लस इस फॉर्मूले से इसका दुगुना कितना हो गया, 1/5 क्या हो गया, 76/5 आंसर 15.2, है ना सिंपल। अब एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं जिससे आपका फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा और आप सुपीरियर हो जाएंगे इस ट्रिक में, ठीक है। तो मैंने ले लिया 322 के आसपास किसका है, 18 का, 324 लिख सकता हूं इसको, 324 माइनस 2, ठीक है, 18 माइनस 2 इसका दुगुना 36 काट दिया तो 1/18, 18 का स्क्वायर करेंगे एलसीएम लेके, तो 324 माइनस 1/18 तो 323/18 आंसर आएगा अपना 17.94, है ना सिंपल ट्रिक। आई होप आपको ये पसंद आई होगी
और आपको समझ आई होगी और आपके काम आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।